Everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to discuss about the expected topics in term 2. ठीक है, तो हम क्लास 12 बायोलॉजी के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. कौन कौन से टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो हम बात करते हैं चैप्टर 8 की. राइट, चैप्टर 8 आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. इस चैप्टर में क्या है आपके कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, जैसे कि बात की गई है आपकी एनसीईआरटी बुक में टाइफाइड, निमोनिया, ठीक है, टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया, आपकी ये सारी डिसीज के बारे में बात की है. ठीक है, तो मेजरली आपको टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया इन सब के डिसीज के बारे में पढ़ना है. इनमें भी आपको क्या पढ़ना है, लाइक इनका पॉजिटिव एजेंट, ठीक है, कौन कोज करता है इस डिसीज को, ठीक है, साथ ही साथ इनका इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, क्या पढ़ना है, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ट्रांसमिशन, कि ये डिसीज कैसे ट्रांसमिट होती है. राइट, आपको इनका ट्रांसमिशन करना है. सिम्टम्स, भाई इस डिसीज में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं, किस तरीके का कौन सा हमें टेस्ट परफॉर्म करवाना पड़ेगा जिससे हम इस डिसीज को डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, डिसीज को डायग्नोस करने के बाद इसके प्रिवेंशन, कि हम इस डिसीज से कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, क्या इनके प्रिवेंशन होंगे. राइट, आपको इस चैप्टर में डिफरेंसेस जो करने हैं वो होंगे आपके एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है, साथ ही साथ आपको इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी का करना होगा. ठीक है, इन एंड आपके जो शॉर्ट आंसर्स होंगे, ठीक है, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, आपको जो शॉर्ट पैराग्राफ्स में आपको जो क्वेश्चन प्रिपेयर करना है वो करना है आपको वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन पे. ठीक है, लॉन्ग टाइप में जो आपको लॉन्ग टाइप में क्वेश्चंस को जो प्रिपेयर करना है वो आप किस पे करेंगे, एड्स एंड कैंसर पे. ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको डायग्राम बेस्ड क्या याद करना है, इस चैप्टर में आपको एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, वो आपको क्या करना है, अच्छे से करना है. ठीक है, सो नेक्स्ट चैप्टर, यस सो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, यस, सो चैप्टर नंबर टेन आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. इस चैप्टर में आपको क्या करना है, आपको हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कौन कौन से माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एंड माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो भी आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है, आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, कौन कौन से माइक्रोब का उनमें इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना है. सेकेंड आपको पढ़ना है सीवेज ट्रीटमेंट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. राइट, इसमें भी आपको मेनली क्या पढ़ना है, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट. ठीक है, इस पे आप बेसिकली डिफरेंस को अच्छे से करेंगे. नेक्स्ट होता है आपका प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. ठीक है, कि बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन सी गैस इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, लास्ट आपका बायो फर्टिलाइजर्स. ठीक है, माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर, की बायो फर्टिलाइजर में कौन कौन से माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. राइट, सो नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 11, दैट इज अ बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस. राइट, तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से करना है इस चैप्टर के अंदर, वो होता है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, इसमें आप इसके टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का. ठीक है, आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का. ठीक है, आपके दो रिस्ट्रिक्शन है. ठीक है, आपके रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम का, जैसे एंडोन्यूक्लियसिस हो गए, एक्सोन्यूक्लियसिस हो गए, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है. ठीक है, साथ ही साथ आपके सिलेक्टेबल मार्कर्स होंगे. राइट, आपको उसको भी करना है. नेक्स्ट आपका पीसीआर. ठीक है, पीसीआर के आपके तीनों स्टेप्स होंगे, आपको तीनों स्टेप्स को स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है. ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा बायो रिएक्टर एंड द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. बायो रिएक्टर में आपको एनसीईआरटी में दो डायग्राम्स दे रखे हैं, आपको दोनों डायग्राम्स को बहुत अच्छे से देखना है. ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, दैट इज अ चैप्टर 12. ठीक है, दैट इज अ चैप्टर 12. ठीक है, चैप्टर 12 है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस. राइट, सो बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस में एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स में करते हैं, लाइक आपका मेडिकल में भी आपका बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है, तो आप इनके यहाँ पे एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे. साथ ही साथ, ठीक है,
ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन, ह्यूमन इंसुलिन दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना है इसको इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन का कैसे प्रोडक्शन हुआ, जीन थेरेपी एंड स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको इन सारे टॉपिक्स पे अच्छे से उसको पढ़ना है, मोस्ट प्रोबेबली इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो नेक्स्ट को चैप्टर इज, यस, चैप्टर नंबर 13, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, राइट। सेकेंड में आपका आएगा पॉपुलेशन एंड इंट्रैक्शन, ठीक है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि आपके म्यूचुअलिज्म, कमेंसिलिज्म, पैरासिटिज्म, ठीक है, जितने भी आपके इंट्रैक्शन आपको सारे पढ़ने, ठीक है। इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है एट्रीब्यूट ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपको उसका ग्राफ करना है, आपको उसकी ग्रोथ करना है, ठीक है। जैसे मोर्टैलिटी, नेटैलिटी, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ये आपको चारों फेसेस के बारे में अच्छे से पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट चैप्टर आपका है, नेक्स्ट चैप्टर आपका है बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पैटर्न पढ़ना है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न क्या है, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न पढ़ना है। उसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आपको क्या पढ़ना है, इन सीटू कंजर्वेशन, आप इसमें बेसिकली डिफरेंस भी प्रिपेयर कर सकते हो, और एक्स सीटू, ठीक है। डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, हॉटस्पॉट, रेड डाटा बुक, इनसे 1 मार्क क्वेश्चन जरूर अराइज होता है। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, ठीक है, इनसे क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। Like this video, please do subscribe and share with your friends. Thank you.